कोरोना संक्रमण रोकने के लिए देश 67 दिनों तक घर में बंद हो गया था। 1 जून से पूरी तरह बंद देश को खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नाम दिया गया था अनलॉक 1। दुर्भाग्य ये रहा, लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना संक्रमण पर ब्रेक नहीं लगा और इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती रही। अनलॉक शुरू होने के बाद इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई। अभी देश में कोरोना महारफ्तार से फैल रहा है। जून में अनलॉक 1 था तो जुलाई में अनलॉक 2, 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है और सरकार 1 अगस्त से अनलॉक 3 लागू करने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अनलॉक 3 में कुछ और ज्यादा ढील दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय अनलॉक 3 के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP बनाने में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं। सिनेमा हॉल खोलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने के पक्ष में हैं, लेकिन मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोला जाए और नियमों का सख्ती से पालन हो। अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोले जा सकते हैं। राज्यों को कुछ और छूट भी मिल सकती है, लेकिन अभी भी सब कुछ नहीं खोला जाएगा क्योंकि कोरोना अभी अपना विकराल रूप दिखा रहा है। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे, मेट्रो ट्रेन की सेवाएं भी अभी शुरू नहीं की जाएंगी। स्कूलों को खोलने के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने राज्यों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। पोखरियाल के मुताबिक इस बारे में बच्चों के माता पिता की राय मांगी गई थी। माता पिता अभी स्कूल खोले जाने के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए अभी स्कूल बंद ही रहेंगे। राज्यों को क्या क्या नई छूट मिलेगी यह तो SOP जारी होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि कई नए क्षेत्रों में ढील दी जाएगी।